2012 का पीएमटी का पेपर, उस टाइम टेस्ट दो बार होता था, एक बार प्रीलिमिनरी और एक बार फाइनल। फाइनल पेपर में 120 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स और 60 बायोलॉजी के आते थे। अब ये पहले बायोलॉजी का पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होता था। अब इसके क्वेश्चन हम देंगे, दोनों पेपर इसमें सॉल्यूशन में दूंगा आपको। पहला फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लैमाइडोमोनास और क्लोराला, इनको कहाँ रखते थे? क्लैमाइडोमोनास और क्लोराला ये ग्रीन एल्गी हैं, इनको प्लांट किंगडम में रखते थे हम। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ए बी सी इन द फूड वेब। अब देखो फूड वेब में ए बी और सी हमें चाहिए। अब आप देखें, ए घास को खाने वाला, ए और जिसको लोयन खाता है, तो ये डायरेक्ट लोयन किसको खाता है? डियर को, तो ए में डियर आ जाएगा। फिर बी में देखो घास को खाने वाला जिसको फोक्स खाती है, और फोक्स को लोयन, ये रैपिड आ जाएगा। फिर इधर से आप देखें सी में ग्रास ऊपर को कौन खाता है? फ्रोग, फ्रोग को स्नेक, इसमें फ्रोग आ जाएगा। और इधर से वेजिटेशन को जो खाता है, जिसको डायरेक्ट हाँ खा लेता है, स्नेक खा लेता है, वो रैट है। तो इसका सही आंसर आएगा दूसरा, डियर, रैबिट, फ्रॉग और रैट। टेस्ट क्रॉस होता है ये ट्रेट, ये देखने के लिए कि क्या जीनोटाइप ऑफ प्लांट ऑफ F2 पे तो जाते ही नहीं हम, प्रेडिक्ट वेदर टू ट्रेट्स आर लिंक्ड, इसके लिए भी टेस्ट क्रॉस कर देते हैं। टेस्ट क्रॉस में दोनों चीज़ें होती हैं, अगर टेस्ट क्रॉस करेंगे तो सेम उसमें सेम रेशो में आ जाते, लिंक्ड नहीं होते। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आंसर एज टेक्स्ट नेक्स्ट टू देम। अब इसमें इक्विसिटम इज द फीमेल गैमेटोफाइट, जिंको, स्पोरोफाइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रखा है इसोगैमस। अब इसमें हाउ मेनी आर करेक्ट, इसमें केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोल्वैक्स आइसोगैमस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज ग्रे आर्ट ऑफ द आरबीसी, कहाँ डेड होती है? स्प्लीन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू गिबरलिन, गिबरलिन के एंटागोनिस्टिक एब्सिसिक एसिड होता है। टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू निमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस इन द होस्ट, दोनों सेंस और एंटीसेंस बना देते हैं जिससे वो आगे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। हाउ मेनी प्लांट्स आर एव मार्जिनल प्रेजेंटेशन, आप इसमें देखें मार्जिनल प्रेजेंटेशन किस किस में है? मस्टर्ड, ग्राम, टूलिप, एस्परगस, अरहर, सनहैम, चिली, कोलकसिन, ओनियन, मूंग, पी, टोबैको, लुपिन, ये जितने भी डाइकोट हैं आप जो देख लो, मस्टर्ड है, ग्राम है, अरहर है, इसके बाद पी भी इसमें है, मूंग भी है, तो इसमें छः ये बनेंगे, तो ये सिक्स है। कार्बोक्सीपोप्टाइडेज जिंक की प्रेजेंस में काम करता है। द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसेर ये वेलिशनरी एक्वाटिक प्लांट से होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल, राइबोसोम, ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल, ऑर्गेनल के अंदर है ये राइबोसोम पाया जाता है, आपको पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और प्लास्टिड में भी है। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन होती है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी ADA डेफिशिएंसी एडिनोसिन डीएमएनएज के लिए थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली करेक्टराइज, लेसिथीन है, फास्फोराइलेटेड ग्लाइसिन, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ग्रेन रेवोल्यूशन 1960s में हुई थी। कसकटा एक्टोपैरासाइट है, प्लांट है, पैरासाइट प्लांट होता है कसकटा। कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट सेलेक्ट, अब ये चार देखो। सिंगल सेल स्पाइरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फूड, बॉडी वेट वाइज द माइक्रो मिथाइलोफोन में बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम मोर प्रोटीन देन द काउ पर डे। अच्छा, कॉमन बटन मशरूम आर वेरी रिच, राइस वेराइटी हैज बीन डेवलप्ड, अब इसमें कौन सा ठीक है? स्टेटमेंट सी और डी ठीक है। मशरूम रिसोर्स ऑफ विटामिन का है, राइस वेराइटी वेरी रिच कैल्शियम की डेवलप की गई है। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म आर लिस्ट ऑटोट्रोप, इसमें ऑटोट्रोप कितने हैं? देखो लैक्टोबैसिलस ऑटोट्रोप नोस्टोक है, कारा भी है, नाइट्रोसोमोनास नहीं है, नाइट्रोबैक्टर भी नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिस भी नहीं है, सैक्रोमाइसिस भी नहीं है, ट्रिपनोसोमा भी नहीं है, और फिर वोल्फिया है।
which one of the following category of animal is correctly described with no single exception of it? सारे ओल स्पंज और मैराइन एंड कुल नसल में पाई जाती है। ये है चार स्केच दिए हुए, ये टिशू के स्केच हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ टिशू, इनमें कौन सा करेक्टली में से? पहला तो एपिथीलियल है, ए। अच्छा, बी ग्लैंडुलर है, इंटेस्टाइन पाई जाएगा, सेक्रेशन का काम है। ए कोलमनर एपिथीलियल है, लेकिन ये नेफ्रोन में नहीं पाया जाता। सी कोलेजन फाइबर है, लेकिन ये कार्टिलेज में तो कोलेजन फाइबर होते ही नहीं। इसके बाद डी है, कार्डियक मसल्स है। इशू नहीं है ये डायग्रामेटिक स्केलेटन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। आप देखें इसमें क्या क्या है। ए मैक्रोफेज सेल है, बी में ये फाइब्रोब्लास्ट है, सी कोलेजन फाइबर है, और डी मास्ट सेल है। सेक्रेट ग्रुप यूज फुल कंजर और 13 स्पीसीज के लिए। फिगर बिलो शो द स्टेप ए बी सी। ये ए बी सी पी सी आर है वास्तव में। ऑप्शन गिविंग करेक्ट एड टूगेदर वाट इट रिप्रेजेंट। अब इसमें पहला है एक्सटेंशन द प्रोसेस ऑफ हिस्टेबल डी एन ए पॉलीमरेज, रेट ऑफ फॉर्मेशन न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल बाय रैपिड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग और साइंटिफिकली करेक्ट नेम, किसका करेक्ट नेम? प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम प्रोटोजोआ, जो मलेरिया फैलाता है। मस्का डोमेस्टिका तो हाउस फ्लाई होती है, एस्चेरिसिया कोलाई एंटामिमा नहीं होता, फैलिस टाइग्रिस एक, ये नाम ही गलत है, पैंथर टाइग्रिस नाम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में देखो दोनों तरफ से एक सा होना चाहिए, जी ए ए टी टी सी, जी ए टी टी सी, ये सेकंड वाला। वर्नलाइजेशन कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है, जो कैरेट में होता है, एक बार कैरेट ग्रो करती है, अगले साल उसमें सीड आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिलेटेड टू इम्यूनिटी? परफॉर्म इस एंटीबॉडी नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द वाइट बाय द वायरस, ठीक है। आर करेक्टली कैटेगराइज वन एक्सेप्शन ऑफ इट, वन एक्सेप्शन इन इट, प्लाज्मोडियम और कसकटा। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है और कसकटा ट्रिप्नोसोमा। कैटेगराइज विद वन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन इसमें कंगारू कोलोम्बेट ऑस्ट्रेलियन सारे एक ही हैं। यूए यूए जी यूजी सारे स्टॉप कोडोन है। टाइफाइड नमोनिया डिप्थीरिया सारी बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसमें चौथा स्थान पर है। विच इज रॉन्गली मैच साल्विनिया में प्रोथेलस नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है? चेंज इन सिंगल बेस पेयर प्रजनन करती है, क्योंकि आपने देखा होगा सिकल सेल में सिंगल बेस पेयर ही चेंज है। इन स्टेटमेंट को पढ़ो, इसमें कितनी करेक्ट है? चारों करेक्ट हैं। फास्फोराइलेशन ऑफ स्टेट फास्फोराइलेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटोन होता है। डाइकोट में न्यू कैम्बियम होता है पेरिसाइकल से। स्टेमन ऑफ फाइबर पोलियंड्रस हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मल लिविंग ह्यूमन बॉडी, इस सीकम में रहते हैं। सेक्रेटरी फेज ह्यूमन मेस्टोसाइकल को हम क्यों फेज कहते हैं? ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। बोलिस्टिक गन ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट सेल कर देती है। फालिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जस्ट ग्लोमेरुलर सेल को एक्टिवेट कर देता है। इसमें देखें फीमेल से ये कौन सी ट्रेट है? ये हीमोफीलिया हो सकती है, जो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट वेल, इसमें देखें थाइलेकोड फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक होते हैं ग्रेना में, ये करेक्ट कैटेगरी है। देखो आप इसको एक्वेटिक एम्फीबिया में फ्रो और ह्यूमैन ये तो नहीं आते। एक्वेटिक एम्फीबिया मोनोटेलिक यूरियोटेलिक फ्रो, अच्छा ठीक है दोनों आएंगे, और यूरिकोटेलिक में पिजन लिजार्ड कॉकरोच, ठीक है ये चौथा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी कॉमन इन बोथ ह्यूमन एंड अडल्ट फ्रो, दोनों में क्या है? यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्शन, अभी ऊपर क्वेश्चन आया देखो यूरियोटेलिक, यही क्वेश्चन रिपीट है। इसमें डेवलपमेंट स्टेज देखो ये कौन सी है 71 वाली, ये डेवलपमेंट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट है, यूटेरिन वाल में जाकर ये सेट होती है।
वॉट इज फंक्शन ऑफ जर्म पोर का फंक्शन है इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, पोर इट एक्सटेंड नाइट्रोजनेज को इनपुट ऑफ एनर्जी बहुत चाहिए, जेनेटिक इंजीनियर में एंटीबॉडी सेलेक्टिव मार्कर के रूप में ये काम आती है, थ्रू देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाटर टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोलिंग द प्लांट, फ्लावरिंग कंट्रोल करता है। वॉट इज दैट फॉर्म बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आता है सेटेलाइट डीएनए, तो जो सब में अलग अलग होता है। सेलेक्ट द करेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वेस्टर्न घाट में हाई डिग्री बायोडाइवर्सिटी है। डोमेस्टिक सीवेज लार्ज सिटी में प्रोसेस्ड बाई एरोबिक और फिर एनएरोबिक से, और फिर इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं। विद ओवरी हैविंग वन और फ्यू ऑफ यूज, ये पोलिनेटेड विंड के द्वारा होता है। इसको पढ़ें, इसमें कोलेस्ट्रोमी रिकमेंडेड न्यूबॉर्न, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चिकनगुनिया खोज बाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, टिश्यू कल्चर वायरस फ्री, ये भी ठीक है। ग्रेज में बाई डिस्टिलेशन फर्मेंटेड ग्रेप जूस, ये गलत है। चिकनगुनिया खोज बाई ग्राम नेगेटिव, तीन ठीक है। सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द नोज टिप आर एग्जाम्पल ऑफ, कार्टिलेज के एग्जाम्पल हैं ये। कंपेयर टू डाइकोट मोनोकोट में जाइलम बंडल ज़्यादा होते हैं, डाइकोट में कम होते हैं। विच वन ऑफ द ऑर्गेन करेक्टली मैच्ड, इसमें ओनियन में बल्ब है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, एक्सियल प्रेजेंटेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल सब्सटेंस करेक्टली मैच्ड है, ट्रोपोनिन और मायोसिन कम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं स्ट्रिक्ट मसल में। आइडेंटिफाई द म्यूटिक स्टेज इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एनाफेज में, कॉलोनीज हैड एट टू सेल स्टेट वाल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, ये क्वेश्चन डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, ये गलत है। इसमें देखो ये दो फिगर दी हुई हैं, इन फिगर को देखो, इसमें पहला मोर्फिन है, पेपर सोनीफेरम से मिलता है, सेडेटिव पेन किलर के रूप में काम आता है। आइडिया म्यूटेशन रूगर डिवरीज ने दिया था। फॉलोइंग चार स्टेटमेंट को पढ़े, ट्रांसक्रिप्शन में एडेनोसिन यूरेसिल सुधार, रेगुलेशन ऑफ लैक ओवरम बाई रिप्रेसर को पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं। ह्यूमन जीनोम एज अप्रोक्स 50,000 जीन, भी गलत है। हीमोफीलिया सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, ये ठीक है। तो कितने ठीक है, दो है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल आर सिमिलर इन देयर एज पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट द, कौन से, सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश, दोनों कोड ब्लडेड है। इसकी होर्स भी एक मछली होती है, फिश है ये, तो ये सारे के सारे ठीक है। इसमें 90 क्वेश्चन के पहला ठीक है। टेरोपस और ऑर्निथिनिक वीवी पैरेट ठीक है, और लिख लो इनकेस तो ओवी पैरस है। गार्डन लिजार्ड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर है। एस्केरिस में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता। अब ये प्रीलिमिनरी पेपर था, इसमें 90 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे। रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सोनिस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग, ये यूकैरियोट में होता है। कॉमन कोल्ड न्यूमोनिया से फर्क है कि न्यूमोनिया तो एल्वोलाई को लंग पे अफेक्ट करता है, और कॉमन कोल्ड नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल, देश ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन, कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन तो होता ही नहीं उसमें। हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट यू आर बिलो हैव कंपोजिट फ्रूट, वॉलनट, पोपी, रेडिश, फिग, पाइन एप्पल, एप्पल तो टू फ्रूट है, टोमेटो, इसमें मलबरी, इसमें तीन इसके आते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन रेजिस्टेंट एनवायरमेंट स्ट्रेन, स्पोरोपोलिनिन है जो बहुत हाईली रेजिस्टेंट होता है, बहुत ऑटोगेमी जिटनोगेमी पपाया में नहीं होती। विच पार्ट ऑफ द वेरियर प्ले नो रोल इन हियरिंग, वेस्टिब्यूलर एपरेटस का हियरिंग में कोई रोल नहीं है। वाटर कंटेनिंग कैविटी मेज में पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर डीएनए साइट है टीआरएनए सिंथेसिस के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें ये दिए हुए हैं, अमीनो एसिड है, ए डी की करेक्टली रिप्रेजेंट बेसिक अमीनो एसिड। अब बेसिक अमीनो एसिड वो होगा जिसमें दो अमीनो ग्रुप होंगे या तो या ओ एच होंगे, तो इसमें आप डी में देखें ये दो एन एच टू है, दो अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप बेसिक होता है, यहाँ भी एन एच टू है, यहाँ भी एन एच टू बेसिक होगा। पेशेंट हॉस्पिटल को लाया मायोकॉन्ड्रिया तो उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज एकदम देंगे। ये दिया है फीमेल में
ये वैसेक्टोमी है और ट्यूबोक्टोमी है। वैसेक्टोमी मेल में होती है, फीमेल में ट्यूबोक्टोमी, पहले फिर ट्यूब को कट करते हैं। राइबोसोमल आरएनए एक्टिवली सिंथेसाइज न्यूक्लियोलस में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन एस्ट्रेजन कोलेक्लम एंड सेल मेम्ब्रेन, सेम होती है। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन एनिमल में कोलेजन सबसे ज़्यादा होती है और प्लांट में आरयूबीपी। अब इसको कंजम्पशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन बी प्रिवेंट ब्लाइंडनेस, गोल्डन राइस में विटामिन ए ज़्यादा होता है, हम इसको देंगे तो ये ब्लाइंडनेस रुक जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट एग्जाम्पल कन्वर्जेंट, आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल, ये तो कन्वर्जेंट है, और बोन ऑफ फोर लिम्ब वर्टिब्रेट ये डाइवर्जेंट है। गाइनेशियम में थ्री पिस्टल्स होते हैं माइकेलिया में। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज जो अलग अलग जलते हैं कहते हैं रिप्टिव एडिशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल इन रेस्पेक्ट टू वायबिलिटी, मेल स्पर्म 24 घंटे जिंदा नहीं रहता, 2 घंटे रहता है। सिंगल स्टेट ऑफ न्यूक्लियर स्टेट विद रेड एक्ट, इसको प्रोब कहते हैं। मेजरिंग बायोकेमिकल ये है पोल्यूशन निकालने का कि कितना ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर है। यीस्ट को हम ब्रेड और बियर दोनों में यूज करते हैं। एरिया में डीडीटी जहाँ ज़्यादा यूज की गई है, मैनी ऑफ द बर्ड लेट डिड नॉट हैच, ये बर्ड के हैच नहीं करेंगे क्योंकि वो बायोमैग्निफिकेशन से उस पर असर पड़ता है। पैरिटम क्लोज रिलेटिव नोरिशमेंट कहाँ से लेते हैं, डिकेइंग फॉलन लीव्स से और ऑर्गेनिक मैटर से जो सोयल में प्रेजेंट होता है। उपिल जो माइग्रेट चले गए फ्रॉम प्लेन से एरिया रोहतांग में पास अबाउट 6 मंथ बैक, उनमें आरबीसी बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। जैसे जैसे हम हिली एरिया में जाते हैं आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। विच इज करेक्टली मैच पोटेशियम रेडिली मोबिलाइजेशन, ये ठीक है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी मोनोरा में होती है, इसमें सब तरह की डाइम के एनिमल है, इसमें ऑटोट्रोपिक भी हैं, हेटरोट्रोपिक भी हैं और पैरासिटिक भी हैं। विच इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई फिलामेंटस एलिगेंट प्रोटोनिमा, मल्टीप्लीकेशन बाई फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द टू एग्जाम्पल करेक्टली मैच, ये पॉलीमोर्फ न्यूक्लियोसाइट और मोनोसाइट, ये सेलुलर बैरियर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन, कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों ही सेल मेम्ब्रेन में से इजीली पास हो जाते हैं। क्लोज वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होता, जिनमें कैम्बियम होता है उनको ओपन कहते हैं, जिनमें कैम्बियम नहीं होता नहीं क्लोज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रोज फॉस्फोरस कॉन्स्टिट्यूएंट सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में सभी में फॉस्फोरस सब में नहीं होता, ठीक है। ये एस्चर्फे कोलाई के एक उसकी डीएनए की है। अब इसमें कह रहा है एमपीआर टीटीआर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये करेक्टली आइडेंटिफाई द सर्टेन कंपोनेंट, ये इसमें है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस इन टेरिडोफाइट, वाइटल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है, एचआईवी के लिए एलिसा किया जाता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाता है सबसे ज़्यादा। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जाइगोट इंट्राफिलामेंट ट्रांसफर करते हैं जाइगोट को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल इज ट्रीटमेंट ओजोन अपर पार्ट ऑफ एटमोसफियर में है, वो हार्मफुल नहीं है, वो हमारे लिए यूजफुल है। पॉसिबल लाइन इन द फॉलोइंग फूड चेन, प्लांट इंसेक्ट फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा, इसे नहीं खा सकता है। द ह्यूमन एंड ब्रेन कंप्राइज 3 पार्ट ऑफ विच इज, जिनमें से हाइंड ब्रेन का पार्ट, हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है इसमें ये स्पाइनल कोड तो अलग हो गया, हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन का पार्ट हो गया, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जरूरी है, वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट है। फिल्लोड ऑस्ट्रेलिया के से पाया जाता है, हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज फंजाई के हैं। मोटाइल जाइगोट प्लाज्मोडियम का एनाफ्रीज ऑफ गट में पाया जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेरियर मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम, ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास एंड आयरन से
वैक्सिलरी एस्टिमेशन फेब्रिसी फैमिली का होता है। ये दो स्टेज दी गई हैं सेल डिवीजन की, प्रोफेज वन ड्यूरिंग मियोसिस है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है और फिर अलग अलग हो गया, ये एक दूसरे ओवर ही दिखाया हुआ है इतना पार्ट दोनों का। विच स्टेटमेंट वायरस के लिए ऑल ऑफ द हेलिकल सिमेट्री, सारे हेलिकल तो नहीं होते, द करेक्ट सीक्वेंस सेल और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोग्रेसोम फोटो रेस्पिरेशन में तीनों की जरूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कैरिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल में ट्राइकोडर्मा अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजन में डा एक्सटिंक ह्यूमैन जो इतने साल पहले रहते थे वो इंटेंडल मैन था, नॉर्मल विजन मैन उन फादर वाज कलर ब्लाइंड, फादर कलर ब्लाइंड था तो फादर से मैन पे कोई नहीं फर्क पड़ता, उसने जिसका फादर कलर ब्लाइंड था लड़की के साथ शादी कर ली तो उनमें नहीं आएगा चाइल्ड, क्योंकि उससे बाप से डॉटर में जाता है, बाप ने कलर ब्लाइंड है नहीं तो इसलिए इसमें डॉटर में नहीं जाएगा। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैगनीज प्लांट में है फोटोलाइज वाटर, इवन इन एबसेंस ऑफ पोलिनेशन कोमेलिना है सीड सेटिंग सोड है। व्हाट वाज द मोस्ट इनोवेटिव रिवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन, इंक्रीज क्रैनियल कैपेसिटी, आदमी की क्रैनियल कैपेसिटी 1400 के आसपास है जो सबसे ज़्यादा है। मोस्ट अवेडेंट प्रोकैरियोट्स इन ह्यूमन मेकिंग कार्ड में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ ऑफ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक को हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक। पर्सन एंटिंग एन एम्पेटिकम सडनली फाइंड ए स्नेक राइट इन फ्रंट, तो वो उसका न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम में कौन सा होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाएगा और एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन निकलेंगे। विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म करेक्टली असाइंड, यीस्ट ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है, पहले भी आ चुका क्वेश्चन। इन नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनेड्रियल एक्टिविटी वाज द रिजल्ट एक्सेप्टेड वाज हाई लेवल ऑफ कैलकुलेटिंग एचसीजी। अगला विच पार्ट वुड बी मोर सुटेबल फॉर रेजिंग वायरस फ्री मेरिस्टम वायरस फ्री के लिए, लीडिंग सेल एंडोजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इंड्यूसर नहीं है, स्ट्रक्चर टर्मिनेटर पर उत्तीर्ण होते हैं, जिम्नोस्पर्म को सॉफ्ट फूड कहलाते हैं क्योंकि उनमें ठीक वाल ट्रैकिल नहीं होता, मोटाइल स्पर्म दोनों में पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है, न्यूक्लिएटेड विद हीमोग्लोबिन, आज में आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होती जबकि फ्रॉग में होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एजोला एनाबिना। व्हाट इज करेक्ट अबाउट हार्मोन एक्सेल इन ह्यूमन, फीमेल में एफएसएच पहले बाइंड करता है स्पेशली ओवरी से, साइमोस सोलेनेसी में फैमिली में सोलेने में पाया जाता है। विच इज द करेक्टली मैच ओनियन का बल्ब है, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज टू अबाउट राइबोसोम, राइबोसोम आरएनए प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोसेस दैट मेक इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फोटो रेस्पिरेशन, C3 में होती है C4 में नहीं होती, टोमेटो और लेमन में प्लेसेंटाइन एक्जाइल होता है, एक स्ट्रैंड डीएनए के नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस ATCTC है, तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ए के साथ क्या आएगा, ए के सामने यू आएगा, टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी आएगा, फिर टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी आएगा, यहाँ ए सी के सामने जी आएगा, ये जी है, फ्लूड मोजे मॉडल सेल मेम्ब्रेन सिंगर निकोलसन ने दिया था, ये करेक्ट है। फोर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल हम गोल्ड या टंगस्टन गन में यूज करते हैं, बीच में टू स्टेटमेंट रिगार्ड डीएनए पॉलीमराइज़, ये एक्टिव रहेगा ए टेम्परेचर पे भी, पीसीआर वाला, अपराइट पिरामिड फॉरेस्ट के होते हैं, सिग्नल फॉर पार्सुलेशन कहाँ से आता है, प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड दोनों से आता है, ये दिए हैं इसमें, ये एक पिरामिड दिया हुआ है इमेजिनरी, इसमें पूछा है पोस्टल सर्टेन ओरिजिन एट दिस सेम लेवल, इसमें लेवल पीसी इन्फेक्टर एससी स्मॉल इफेक्टिव वायरस है। कॉमन बोटल कोर की जो प्रोडक्ट ऑफ फैलोजन का होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नोस्टोक में नहीं होती क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होता है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं,
which one of the following microphone symbiotic glomus के साथ न्यूट्रिशन में मदद करता है, जुड़ा के साथ फर्न के साथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शनल न्यूट्रोगेनिक इकोसिस्टम स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंजाइम रिकम्बिनेज प्रोफेज वन में इनडाइजेशन हो जाता है स्पाइसी फूड खाने से, रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोप्लाज्म से विल अफेक्ट सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए को, इसमें करेक्ट मैच देखो पाइला बॉडी सेगमेंटेड माउथ विद रेडुला मोलस्का, जीनस नेम और करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि पाइला की बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, बाकी सारे ठीक है। एफ टू जनरेशन में मेंडेलियन क्रॉस है 1-1, इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, वही जीनोटिपिक रेस है वही फिनोटिपिक, ये कोडोमिनेंस में भी आती है। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म पेरिमिलेंट अमेरिकन कॉकरोच होता है, मेल में शॉर्ट थ्रेड लाइक एनलिस्टेल होते हैं, फीमेल में नहीं होते। सीरोसिस लीवर में अल्कोहल की वजह से होती है, ज़्यादा शराब पीने से हो जाती है। म्यूनिसिपल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट इससे दवाई बनती है। द कोकोनट वाटर एंडोस्पर्म है और इसमें गार्ड सेल में सी एलिमेंट कंपेनियन सेल के चार होते हैं। इसमें डायग्राम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगरी, ये वास्तव में ये पेंटोज शुगर और एक्सप्रेस में नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, लेकिन ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन तो ये तो है, जब इस पर नाइट्रोजन बेस जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और ये नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा यूरेसिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए गैसियस बायोकेमिकल, फास्फोरस का साइकिल गैसियस नहीं चलता। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एस्पिरेशन इन मैन, वर्कर एंड ग्राइंडिंग स्टोन बीन में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, ये ठीक है, उनके फाइब्रोसिस बीमारी हो जाती है।